योर एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सतपाल मलिक जी, फ्रेंकली स्पीकिंग पर आपका स्वागत है. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. एंड ऑन द डे दैट वी आर स्पीकिंग, सतपाल मलिक जी, मैं कहूँगी कि आज एक एनिवर्सरी कल सेलिब्रेट हुई थी, एक्सेशन डे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया, और उसी दिन एक 22 साल के सिपाही राजेंद्र सिंह की स्टोन पेल्टिंग से हत्या कर दी गई. सतपाल मलिक जी, मैंने आपके कई वक्तव्य पढ़े हैं, कई स्टेटमेंट्स आपके पढ़े हैं जब से आपने 23 अगस्त 2018 में कमान संभाली है जम्मू और कश्मीर की. आपने कहा था कि स्टोन पेल्टिंग के वाक़े कम होंगे और कम हुए भी हैं, तो फिर इस 22 साल के नौजवान सिपाही की हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, कि आर्मी को एक FIR तक दर्ज करनी पड़ी? मैं खुद इस पर बहुत दुखी हूँ. मुझे उस नौजवान की शहादत पे बहुत अफसोस है, और उससे भी ज़्यादा अफसोस इस बात पे है कि वाकई स्टोन पेल्टिंग करीब करीब बंद हो गई थी. कहीं छिटपुट 10-20 लड़के स्टोन पेल्टिंग करते थे. नई भर्ती बिल्कुल बंद हो गई थी टेररिस्ट की. इस खित्ते से यहाँ से जाते थे जो लड़के भर्ती होने, कोई नहीं जा रहा था. लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार हो गया कि चुनाव कामयाबी के साथ हो गए, वायलेंस नहीं हुई, स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई और भर्ती बंद हो गई. तो जो सीमा पार के आका हैं उन्होंने दबाव बनाया है और वो नए सिरे से सारी चीज़ों को शुरू कराना चाहते हैं. मेरा ये अंदाज़ है कि कोई प्रेशर आया है जो ये नए सिरे से वारदात हो रही हैं. और मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों को कि कहीं भी, जहाँ किसी भी जगह एनकाउंटर चल रहा हो, पुलिस और टेररिस्ट के बीच में मुठभेड़ हो, उसमें ना घुसें. आज हमारा एक जवान मारा गया, उसकी शहादत हुई. अफसोस मुझे इस बात का है कि उधर के जब लोग, कोई निरपराध मरते हैं तो हम उसका अफसोस भी करते हैं, उनको मुआवजा भी देते हैं, लेकिन इस पर कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां या छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ कश्मीर की इसकी निंदा नहीं करेंगे जो जवान मारा गया है, जिन्होंने मारा है. तो ये ठीक नहीं है, इसको हमको सबको मिलकर कंडम करना चाहिए और रोकना चाहिए. सतपाल मलिक जी, आपका इशारा किसकी तरफ है? उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सभी की तरफ है जो भी वहाँ पॉलिटिक्स में हैं. अपने को मेन स्ट्रीम या लिटिल स्ट्रीम जो भी मानते हैं, उन सबको खुल के, अगर वो ये चाहते हैं कि हम उनके यहाँ जो निरपराध लोग मरे हैं उनकी हम निंदा करें, तो आपको भी करनी चाहिए. गवर्नर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक वाक्या मेजर आदित्या का भी हुआ था जिस पर सब पॉलिटिकल पार्टियां टूट कर पड़ी थी. मेजर आदित्या के पास ऑप्शन क्या था? तब भी एक दौर FIRs का हुआ, आज भी एक दौर FIRs का है, आज भी आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत की एक वार्निंग आई है. तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा, चाहे सरकारें बदलती रहें, चाहे हुकूमतें बदलती रहें. मैं जनरल बिपिन रावत का जो एटीट्यूड है उसको पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ कि अगर हमने इस मामले में सजा नहीं दी तो रोज़ का काम हो जाएगा. और आर्मी के साथ जब ये होगा और आर्मी पलट के जब जवाब देगी तो उसमें बहुत लोग, बहुत गड़बड़ हो जाएगी. ये बंद होना चाहिए, इमीडिएटली बंद होना चाहिए. हम अपने लोगों को, आपको याद होगा अभी कुपवाड़ा में जो 7 लोग मरे थे, उसमें हमारी गलती नहीं थी. हमारी फोर्सेस गांव, जब शहर में एनकाउंटर करती हैं तो 2 दिन तक सैनिटाइज रखती हैं उस इलाके को, लेकिन गांव में वो संभव नहीं है चूँकि भीड़ टूट पड़ती है गांव में, फिर उनको गोली चलाना पड़ती है, पत्थरबाजी करते हैं, तो वो चले आए थे. गलती उनकी थी जो उस घर में घुसे थे. फिर भी चूँकि 7 आदमी शहीद हुए और 7 जान महत्वपूर्ण होती हैं, हमने उसके लिए अफसोस जाहिर किया, 5-5 लाख उनको मुआवजे की घोषणा की. अब आपने देखा होगा कि इस तरह की लापरवाही, अमृतसर में लापरवाही करने से 60 लोग मर गए, तो अपनी लापरवाही से मारे थे, हमारी कोई उसमें जवाबदेही नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने उस पर अफसोस जाहिर किया और उस बात को सपोर्ट किया कि इनकी मदद की जानी चाहिए. अगर पॉलिटिकल पार्टी हमारा आदमी है, हमारा सिपाही मरे, उसके लिए भी ये एटीट्यूड ले लें, तो ये सारी चीज़ें बंद हो सकती हैं. तो फिर ये जो फॉल्ट लाइन्स हैं, ये फॉल्ट लाइन्स तो वहीं की वहीं हैं. पॉलिटिकल पार्टीज जो जम्मू और कश्मीर की हैं, वो कभी आर्मी की जवानों की मौत पर अफसोस मनाने आती नहीं है. और आप एक तरफ देखते हैं कि टेररिस्ट जब मरते हैं, जब टेररिस्ट सिंपथाइजर्स मरते हैं, तो ये अफसोस करने तुरंत वहां पहुंच जाते हैं. तो आप जब वहां सेंटर के नुमाइंदे बनकर गए हैं,
आप गारंटी देते हैं कि जो जवान देश का वहां जा रहा है, जिस माँ का पूत 22 साल का अपनी शहादत दे रहा है वहां पर, वो किस लिए जा रहा है, उसको किसकी गारंटी है? आपकी गारंटी है, सरकार की गारंटी है, किसकी गारंटी? उसको हमारी गारंटी है, विल लुक हिम आफ्टर, लुक हिम हिज फैमिली, उसके जो भी हर्जाना होगा वो देंगे और कोशिश करेंगे कि आगे से इस तरह की चीज ना हो। हमने अपने यहाँ पुलिस, जब मैं गया था तो पुलिस के जवान को शहीद होने में 45 लाख रुपया मिलता था, मैंने जाके उसको 70 किया, और ये किया कि जिसका जो मर जाएगा उसके बच्चों को हम प्राइवेट स्कूल में, DPS जैसे स्कूल में 12वीं तक फ्री पढ़ाएंगे। और अभी हमने राजनाथ जी से कहा कि 30 लाख आप और दीजिए, हम इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस के बराबर हर्जाना देंगे, तो हम उनकी देखभाल करेंगे और ये चाहेंगे कि ऐसी घटना ना हो, हमारे लोग ना मरें। अभी हमने तय किया कि हम विज्ञापन देंगे अखबारों में कि जहाँ भी कन्फ्रंटेशन है, जहाँ भी ये मुठभेड़ हो रही है, वहाँ कोई ना आए, जो आएगा वो जिम्मेवार होगा। हम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें बहुत सहूलियत हो जाए अगर पॉलिटिकल पार्टीज भी जम्मू कश्मीर की अपने लोगों से ये कहे कि वो तुम्हारे जाने की जगह नहीं है, वहाँ मत जाओ। मलिक साहब, आपने मुआवजे की बात कही, एक 22 साल का जवान बेटा जिस माँ का चला जाए, उसको मुआवजे से क्या मैं एग्री करता हूँ, उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जो फराइज होते हैं सरकार के वो हम सब पूरा करते हैं। लेकिन असली चीज़ ये है कि हम ऐसा दिन ना आने देंगे उस माँ का बेटा इस तरह से मरे, और उसके लिए जो भी सेफ गार्ड होंगे वो हम करेंगे। और आगे से मैंने पर मलिक साहब, आप बीजेपी में 2004 से रहे हैं, और 2004 से लेकर 2018 की आपकी जर्नी रही है, आप आज एक गवर्नर के तौर पर जम्मू और कश्मीर गए हैं, आप बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा दिखते हैं और गवर्नर, निष्पक्ष गवर्नर कम, लोगों का ये कहना है। मैं आप पर चार्ज लगाती हूं कि जब बीजेपी और महबूबा मुफ्ती एक साथ सरकार में थे तो एमनेस्टी दी थी उन्होंने स्टोन पेल्टर्स को, क्या इससे हिम्मतें खुली नहीं है? मैं जिस दिन गवर्नर बन के गया था उसी दिन मैं बीजेपी का चौंगा छोड़ गया था। मेरे एक भी एक्शन को आप ये नहीं कह सकते कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ। मैं संविधान की किताब का आदमी हूँ, राष्ट्रपति का बनाया हुआ आदमी हूँ, मेरे बनाने में बीजेपी का कोई रोल नहीं है, और मैं बीजेपी का बैंड वैगन लेके या वो बोझा लेके नहीं गया हूँ। मैं बिल्कुल निष्पक्ष गया हूँ और मैं किताब के मुताबिक काम कर रहा हूँ। दूसरी बात रही उस सरकार की, उसके जवाबदेह बीजेपी के लोग हैं, और कोई खराबी रही होगी ना जो उनसे सपोर्ट विड्रॉ हुई। और मैं इस बात को मानता हूँ कि महबूबा जी के चीफ मिनिस्टर रहते ज़रूर ये इसमें टेररिस्ट की भर्ती बढ़ी, पत्थर फेंकने वालों को थोड़ा सहूलियत रही, और उसी का नतीजा अब तक हम भुगत रहे हैं। लेकिन उस वक्त हम ही लोगों को, जो लोग सरकार में थे उनको रिएक्ट करना चाहिए था, मैं उनके लिए जवाबदेह नहीं हूँ। तो आप काया पलट कैसे करेंगे? देखिए, हम काया पलट इस तरह से करेंगे कि हम कोई ऐसा सिस्टम नहीं देंगे कि जिसमें ये जो लोग हैं टेररिस्ट जो लोग हैं इनको सहूलियत हो, ये समझें कि हम जो कर देंगे और बच के चले जाएंगे। इतनी सी भी इवेंट जहां हो रही है, कोई हथगोला भी फेंक के जा रहा है तो 2 किलोमीटर के अंदर अंदर उसका निपटान कर दिया जाता है। एक भी घटना करके ये लोग भाग नहीं पाए हैं, इतना प्रेशर है फोर्सेस का, फोर्सेस में इतना कोऑर्डिनेशन है कि पहले होता था कुछ भी करके सिपाही को मार के कहीं भी भाग जाते थे, वो आज नामुमकिन है। जैसे ही किसी नाके पे कुछ होता है 2 किलोमीटर के अंदर फैसला हो जाता है उन लोगों का। बहुत ही कोहेजन के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ फोर्सेस काम कर रही हैं, और उनको खुली छूट है हमारी तरफ से। हमारा ये है, सिविलियन को नहीं आपको दुखी करना है, किसी को थाने में ज़बरदस्ती नहीं बिठाना है, कोई लोगों को टेररिज नहीं करना है, लेकिन जिसके हाथ में बंदूक है उसको छोड़ना नहीं है। और जिसके हाथ में पत्थर है वो टेररिस्ट नहीं? देखिए, पत्थर वाले को जितनी सजा मिलनी चाहिए उसे भी दी जानी चाहिए। मैं अगर पत्थर वाला पकड़ा जाए तो फिर उसे थाने में सिफारिश से छोड़ने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हो, कोई कितना ही बड़ा नेता उसके लिए कहे, उसको जितनी मिनिमम सजा है, जो भी जो सजा मिलनी चाहिए कानून से वो मिलनी चाहिए। लेकिन पत्थर ना उठाएं, इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, पत्थर ना उठाएं इसमें क्या था, ये एक बड़ा भारी वेस्टेड इंटरेस्ट है वैली में। वैली में एक वक्त था, अब तो वो नहीं है, कि किलिंग का एक दाम था कि मार के आओगे तो इतना मिलेगा, हथगोला फेंक के आओगे तो इतना मिलेगा, और पत्थर फेंक के आओगे तो इतना मिलेगा। मुझे तो ये भी बताया किसी ने कि लोग दफ्तर से लौटते हुए पत्थर मार देते थे, 500 रुपये बना के चले जाते थे।
अगेंस्ट पेमेंट ये हो रहा था। जब से NIA ने रेड किए हैं, लोग पकड़े गए हैं, पता चला है कि रुपया पत्थरबाजी के लिए जा रहा था, प्रेशर आया है और हमने एक नैरेटिव दिया है कि इससे कुछ नहीं हासिल होगा, ये फ्रस्ट्रेशन में आप कर रहे हो, आपका विनाश हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता है हथियार से या पत्थर से, बातचीत से होगा। तब से इस पर असर पड़ा था और ये बहुत दूर तक बंद हो गया था। हम फिर वही कोशिश हम वही करेंगे कि किसी तरह बातचीत से सूदिंग करके फीलिंग्स की इसको सुलझाया जाए, लेकिन फिर भी कोई नहीं मानता तो वो पनिश किया जाएगा। सूदिंग फीलिंग्स कैसे होंगी, यही तो डायलॉग की चर्चा कई जमाने से हम सुनते चले आ रहे हैं। उसमें एक बेसिक डिफेक्ट रहा है नाविका जी, आप डायलॉग जब करने जाते हैं तो ऐसा करने जाते हैं उनसे कि जैसे वो जो 50 साल से झूठे सपने बेच रहे हैं उन पे डायलॉग करने जा रहे हैं। आपको बिल्कुल क्लियर करना होगा कि नहीं, कोई आज़ादी नहीं, कोई पाकिस्तान के साथ जाना नहीं, कोई पाकिस्तान की पंचायती नहीं, पाकिस्तान इज़ नोबडी इन कश्मीर, तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं, सीधे सीधे बात करो, जो भारतीय संविधान के तहत तुम्हें दिया जा सकता है वो हम तुम्हें सब कुछ देंगे, लेकिन इसके बाहर हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। तो इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस है से लेकर लेफ्ट पार्टीज हैं या जम्मू और कश्मीर की पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, महबूबा मुफ्ती जी की जो पार्टी है PDP, हर पार्टी कहती है कि इसमें स्टेक होल्डर हुर्रियत भी है। क्या हुर्रियत स्टेक होल्डर हो सकता है? हुर्रियत अगर अपना वो जो बच्चे कमर पे बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैकपैक जो है वो पाकिस्तान का बैकपैक फेंक दें उठा के, तो हुर्रियत है। हुर्रियत हर बात के लिए पाकिस्तान को ले आती है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान इसमें, पाकिस्तान से बातचीत हो या ना हो वो हमारे और पाकिस्तान के बीच में है। तुम अगर ये इंप्रेशन दोगे कि बिना पाकिस्तान के आप टॉयलेट भी नहीं जाते हो तो हम तुमसे क्या बात करेंगे। हुर्रियत अपने को पाकिस्तान के बोझ से अलग करे तो हम उनसे बात करेंगे। तो इस वक्त आप समझते हैं जो बोझ हुर्रियत के पीठ पर पाकिस्तान का है इस दौर पे, वे उस पोजीशन के रहते हुए हुर्रियत से कोई बातचीत नहीं हो सकती, नहीं होगी। पाकिस्तान की पंचायती ही कश्मीर में हिंदुस्तान कभी पसंद नहीं करेगा, मंजूर नहीं करेगा, क्योंकि वही तो ट्रबल मेकर है वहाँ, वो स्टेक होल्डर नहीं है, ट्रबल मेकर है कश्मीर में, तो उसको हम पंचायत में नहीं बिठाने वाले हैं। आप समझते हैं कि सेंटर से भी कंफ्यूज सिग्नल आते हैं पाकिस्तान की हमारी नीति के ऊपर और ये जम्मू और कश्मीर में कंफ्यूजन फैलाते हैं। सुषमा स्वराज जी पहले पाकिस्तान की अपने काउंटर पार्ट को मिलने वाली थी, एक रास्ता खुलने वाला था बातचीत का, फिर मीडिया में हम सब ने और रिएक्शन हुआ इतना नेगेटिव उसका, तो अगले दिन स्टेटमेंट आया कि जी बातचीत नहीं होने वाली है। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप नीति है आपकी सेंटर की फॉरेन पॉलिसी, इसका भी इम्पैक्ट कश्मीर पे पड़ता है? इस पे मेरा बोलना ठीक नहीं है और ना मैं इस पे बोलूंगा, ये मेरे परव्यू से बाहर की बात है, देश की भी। पर इसका तो जम्मू और कश्मीर पे सीधा सीधा असर पड़ता है। जो असर पड़ेगा उसको मैं झेलूंगा, लेकिन मैं उस पे कमेंट, पर असर पड़ता है ये आप मानते हैं? मैं उस पे, आप कह रहे हैं कि आप झेलेंगे? नहीं नहीं, मैं उस पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हुर्रियत पाकिस्तान के दबाव में रहती है बहुत से कारणों से, पाकिस्तान से डरती भी है, चूंकि ISI पिछले जमानों में हुर्रियत ये देख चुकी है कि जो अलग जाता है उसके साथ क्या। सिर्फ हुर्रियत तक क्यों सीमित कर रहे हैं अपने आप को? नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP भी तो चाहते हैं कि पाकिस्तान से डायलॉग हो। नहीं, पाकिस्तान से डायलॉग PDP चाहती है, लेकिन इनकी शर्त नहीं है। देखो, मैं पीठ पीछे की बात है कि फारूक अब्दुल्ला, उनका बेटा और उनके फादर, इन लोगों का कभी कोई पाकिस्तान के साथ हमदर्दी का एटीट्यूड नहीं रहा है। फारूक अब्दुल्ला तो रिकॉर्ड पे हैं कि जब बहुत आज़ादी की बात चलती थी तो उन्होंने कहा कि आज़ादी हो जाएगी, परली तरफ चले जाओ, यहाँ तो हम हिंदुस्तान ही के साथ रहेंगे। पर अब तो ये स्टैंड पॉइंट चेंज हो गया। नहीं, उन्होंने ज़्यादा चेंज नहीं किया इसमें। आप अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि मुफ्ती साहिबा भी इसमें ना पड़े पाकिस्तान के चक्कर में, क्योंकि पाकिस्तान को रख के कोई बात नहीं होगी, ये मैं सेफली कह सकता हूँ जितना मैं अपनी सरकार की नीतियों को समझता हूँ। मलिक साहब, आपने बहुत बात की है एक कश्मीर में चेंज लाने की, और इस पर मैं आपसे पूछूंगी कि आपने खेल कूद पर बड़ा जोर दिया है, इस डायरेक्शन में आप क्या समझते हैं, इससे क्या बदलाव आएगा? देखिए, मैं बताता हूँ, मैंने पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि जाने के बाद मैंने कोई
जो एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट पे या अफसरों की ब्रीफिंग पे, या जो यहाँ दिल्ली में कई सौ कश्मीर एक्सपर्ट हैं जो दिन रात टीवी पे बैठते हैं, किसी की ओपिनियन से मैं नहीं चला हूँ। जब आपको बुखार हो जाता तो जो आपको देखने आता, कोई कहता हमदर्द की दवाई ले लो, कोई बाबा रामदेव की ले लो, कश्मीर पे भी ऐसे सौ तरह के रास्ते लोग बताते हैं। मैंने वहाँ की जो यंगर जनरेशन के लोग हैं और जो नौजवानों में यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, उन लोगों को बुला के पूछा कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो पता ये चला कि जिनका हम और आप डिस्कशन कर रहे हैं 20 मिनट से, वो आज उतने रेलेवेंट नहीं हैं। रेलेवेंट है वहाँ की यंगर जनरेशन जो 13 से 20 साल की है और 46% है। अगर उसके गुस्से को हम कम कर पाए, उसको हम रास्ता बता पाए, उसको हम इन्वॉल्व कर पाए, उसको हम आउटरीच कर पाए, तो कश्मीर की आधी नहीं 3/4 समस्या हल हो जाएगी। आज उसके हाथ में पत्थर है, अगर हम बॉल दे देंगे तो बहुत अच्छी बॉल फेंकता है। और एक केस मैं जानता हूँ जिसमें एक बच्चे का रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन नहीं हुआ, चूँकि वो उसकी सिफारिश नहीं थी तो पत्थरबाज बन गया। उसका मामा उसे छुटा के ले आया और वो मेरे पास आया। मैंने कहा तुम इसे घर बैठाओ, अगली बार जब सिलेक्शन, इसे को खेलता रहे, अगली बार जब कोई सिलेक्शन किसी क्लब का होगा मुझे बताना, मैं इसकी मदद करूँगा। मुझे जब पता चला कि वहाँ PIL का जो IPL का जो एक लड़का IPL में सिलेक्ट हुआ, 20,000 आदमी उसके घर पे गए, मैंने कहा मैं IPL की टीम बनवाऊंगा, एक इंटरनेशनल स्टेडियम क्रिकेट का तैयार हो रहा है, जिस दिन तैयार हो जाएगा उस दिन IPL का हम सुबह उसको दिखवा देंगे, पास करा देंगे। IPL अगर उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मान लेगा तो हम IPL का मैच भी कराएंगे। इसी तरह फुटबॉल की टीम है, मोहन बगान को हराने की कुव्वत रखती है, और एक टीम नहीं ऐसी दसियों टीम है वहाँ पे, और बच्चे खूब खेलते हैं। मैंने हर DC को कहा कि हर गांव में एक टुकड़ा बच्चों को खेलने के लिए दे दीजिए, क्योंकि 6 बजे के बाद वहाँ के नौजवानों पे करने के लिए कुछ नहीं है। कॉफ़ी शॉप नहीं है, सिनेमा नहीं है, आपके ये जो होते हैं इंटरनेट नहीं है, कुछ व्हाट्सएप, और इंटरनेट तो बहुत सा दुर्घटनाओं की वजह से वैसे ही बंद हो जाता है। नहीं, व्हाट्सएप वगैरह तो देखे, बेसिकली तो कश्मीर की ट्रबल में इसका भी बड़ा हाथ है, चूँकि जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो इसी के जरिए आता है, इसी के जरिए फैलता है, उसको हम फिल्टर भी नहीं कर पाते हैं। खैर, एनीवे मैंने उनको, बहुत बड़ी तादाद में बच्चे खेलना चाहते हैं, खेल में जाना चाहते हैं, इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जहां वो जा सकते हैं और उनको लग सकता है कि हमारा पार्टिसिपेशन है हमारे समाज में। जब वो खाली बैठेगा तो कोई ना कोई, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो कुछ ना कुछ गलती करेगा, कहीं ना कहीं गलती करेगा। और अब जो दिक्कत है उसको कम लोगों को मालूम है, उसकी आस्था पाकिस्तान में 0% है, उसको कोई उम्मीद नहीं है पाकिस्तान से। और मेरी जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के एक से ज़्यादा प्रधानमंत्री इन लोगों को, हुर्रियत को भी ये बता चुके हैं, भाई कुछ नहीं हो सकता, हिंदुस्तान सुपर पावर है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, तुमको अलग नहीं किया जा सकता, तुमको आज़ादी नहीं मिल सकती, तुम ये बात छोड़ दो। लेकिन वो बात इनको सूट करती है, इसलिए वो उसको कहते रहते हैं कि गलती ये हुई है कि पिछले 50-60 साल में झूठे सपने दिखाए गए और उसमें बच्चों को उलझाए रखा गया, अब वो उनकी समझ में आ रहा है। लेकिन एक ख़तरनाक काम उसमें ज़रूर हो रहा, बीच में एक जाकिर मूसा नाम के एक आदमी आ गए थे और वो कल्ट फिगर हो गया, उसने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं, आज़ादी नहीं चाहिए, पाकिस्तान के साथ नहीं जाना, हमको तो ऑटोनॉमी भी नहीं चाहिए, हमको तो खलीफेट बनानी है हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ मिलके। लेकिन वो जानता नहीं था हिंदुस्तान का मुसलमान किसी खलीफेट के पक्ष में नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में से सिर्फ 112 लड़के वहाँ गए थे ISI में, इनका कोई लेना देना नहीं है इससे। और ISI को तो इतना सपोर्ट था, दो दो तीन तीन मुल्क की तो जियोग्राफिकल ज़मीन उसके कब्जे में थी और उसकी ठुकाई हो गई 3 महीने में, और हमने नहीं किए, अरब मुल्कों ने किए। तो ये सारे वो सपने हैं जो पूरे ना होने वाले हैं। हम होशियारी से यंगर जेनरेशन को ये समझा दें कि बेटा कुछ नहीं होगा। LTT जैसी जमात जिसको 12 मुल्कों की सपोर्ट थी, जिसपे नेवी भी थी, अपना जहाज भी था, बेस्ट ऑफ वेपन्स थे और ऐसे कमिटेड कैडर थे, ये एक तिहाई भी उसके मुकाबले कमिटेड नहीं है। 13-13 साल की लड़कियां नंगे पैर कोबरा इन्फेस्टेड जंगलों में खड़ी लड़ती थी, वो डेसिमेट हो गई, बर्बाद हो गई, इनको भी कुछ नहीं मिलने वाला है। जो मिलना है वो बातचीत की टेबल पे मिलना है। और अच्छी बात यह है कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो इमोशनली कश्मीर के बहुत नज़दीक है और कश्मीर के लिए कुछ करना चाहता है।
आपको याद होगा बाढ़ हुई तो फौरन पहुंच गया, सारी आर्मी लगा दी। और मैं वो सीन नहीं भूलता हूं कि जब आर्मी लोगों को घरों से निकाल रही थी, बच्चों को कंधे पे लेके, बुढ़िया बूढ़े बुढ़ियाओं को लेके निकल रही थी, तो आर्मी के जय जयकारे लग रहे थे श्रीनगर में। तो उनको और उसके बाद 80,000 का पैकेज दिया, अपनी दिवाली वहीं मनाई। तो उस आदमी से बैठ के लेते क्यों नहीं हो, झंडा तुम पे है। लेकिन 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 गवर्नर साहब, मैं आपसे ये भी कहूँगी कि इस नौजवान पीढ़ी को चाहिए पढ़ाई की सहूलियतें, इस नौजवान पीढ़ी को चाहिए नौकरी की अपॉर्चुनिटीज। कहाँ है, कहाँ है ये अपॉर्चुनिटीज? मैं बताता हूँ आपको, बीजेपी और महबूबा मुफ्ती की सरकार रही है, वहाँ क्या किया डेवलपमेंट के नाम पे आपने? किया होता तो उससे बाहर क्यों निकलना पड़ता? सही बात में तो आप मानते हैं कि नहीं किया? हम फेल हुए उसमें, फेल हम तो क्या, बीजेपी जितना करना चाहती थी उतना नहीं कर पाई जितना मुझे लगता है। लेकिन मैं उस पर कोई कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ, वो एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मैं तो आप कंट्रोवर्सी से क्यों बच रहे हैं? आप तो निष्पक्ष हैं, तो आप बताइए ना कि ये डिलीवरी हुई कि नहीं जमीन पर। ये कश्मीर के लोगों और बच्चों से बात करके आप देखेंगे। मेरे यहाँ एक दिन 40 बच्चे आए और उन्होंने कहा, सर हमने ये जो बैंक है यहाँ का, जम्मू कश्मीर का जो बैंक है, उसका हमने इम्तहान पास कर लिया था, इंटरव्यू भी पास कर लिया था, लेकिन नेताओं ने हमको अलग करके अपने रिश्तेदारों और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़कों के नाम मंगा के वो वहाँ बिठा दिए। तो मैंने सोचा 30 लोग होंगे, मैंने चेयरमैन को बुलाया, मैंने कहा भाई ये मुझे तुमसे ना कभी कोई किसी को कर्ज़ा दिलवाना, ना कर्ज़ा सेटल कराना, मुझे इन बच्चों की नौकरी चाहिए, ये पास किए हुए हैं। उसने कहा सर ये 30 नहीं है। मैं क्यों? कहेंगे ये 582 केस हैं, 582 बच्चे थे जो इम्तहान पास करके भी नहीं लगे थे। ये है कश्मीर की ट्रेजेडी, इतनी धांधली होती है कि जिसका कोई रसूख नहीं है, जिसका कोई ऊपर नहीं है, या जो रिश्वत नहीं देता है, उसको नौकरी के कोई चांसेस नहीं है। और बीजेपी सरकार में रही तो भी ये कहानी बदली नहीं। इसका जवाब बीजेपी देगी, लेकिन मैंने उसको ये कहा कि आप किसी भी तरह इनका इनका अधिकार बनता है, इनको दीजिए। उसने कहा मुझे फाइनेंस सेक्रेटरी भी मेरे बोर्ड में होते हैं, मैं उसे भी कहूँ। मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी को कहा, उसने कहा सर मैं खुद पेश करूँगा ये प्रस्ताव। और यूनैनिमसली वो प्रस्ताव पास करके, नाविका जी आप खुश होंगी, पिछले हफ्ते 582 बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। अगर उनके साथ इसी तरह नौजवानों के साथ इंसाफ होता तो आज ये दिन नहीं होता, कोई पत्थर नहीं फेंकता। वो निराशा में हैं, सब अंधेरे में हैं, उनको ये लगता हमारा कोई है नहीं, हमारा कोई मददगार नहीं है। और सारा जो 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 ताकत जिनके पास पॉलिटिकल पावर थी, उन्हीं के रिश्तेदार बैंक के बोर्ड्स पे हैं, उन्हीं के रिश्तेदार बड़ी बड़ी जगहों पे हैं, उन्हीं के असर और रसूख के लड़के नौकरियों में हैं। ऐसे केसेस भी हैं, अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको दे दूंगा, कि जो लड़का कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के इम्तहान में नहीं बैठा और सेलेक्ट हो गया। और ऐसे भी केस हैं कि जो एक नंबर से रह गया था वो बेचारा 4500 रुपये की नौकरी पर पढ़ा रहा है। मेरे पास आया था कि साहब हम ऐसे 1600 लड़के हैं और सर्दी में हमारी 3 महीने के लिए बंद कर दी जाती है तनख्वाह, हमारा अगर ये 3 महीने हमसे आप अगर क्यारी खुदवाने का काम भी देंगे तो वो दे दें, पर हमारी तनख्वाह मिलती रहे। तो आप कह रहे हैं लोगों के पास नौकरी की अपॉर्चुनिटी नहीं? एक मिनट, उनका मैं परसों फैसला करा के आया हूँ, उनको 3 महीने लगाए रख। लोगों को पहले तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, जब मैं गया तो 1200 डॉक्टर बेरोजगार थे और डॉक्टरों की कमी है। 1000 का मैं एडवर्टीजमेंट करा के आया हूँ, एकदम लिए जाएंगे सब। यही टीचर्स का हाल है। बीच में जो भर्तियाँ भी हुई उनमें आप हैरत करोगे कि किस किस तरह के लोग भर्ती किए गए, मेरे लिए मुसीबत हुई हुई है। जो टेररिस्ट बैकग्राउंड के लोग थे उनको भर्ती कर लिया गया, वो नौकरी करने के बजाय वहाँ फंडामेंटलिज्म फैलाते हैं। तो बहुत तरह की वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, एक दिन की नहीं है, पर टाइम लगेगा, उनको सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन सत्यपाल मलिक साहब, मैं आपसे ये पूछूंगी कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि फंडामेंटलिज्म वहाँ फैलाया जा रहा है स्कूलों के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, और ऐसी भर्तियाँ हुई हैं, दूसरी तरफ आप पैरवी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जो मननवानी, जिसने जो पीएचडी स्कॉलर था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से था, लेकिन जिसने एंड में आकर उठाई गन और बना टेररिस्ट, हिजबुल मुजाहिदीन का वो एक टेररिस्ट बना, चाहे उसकी तालीम जो भी हो, जब एक बार कोई हथियार उठा लेता है तो उसकी डेफिनेशन टेररिस्ट की हो जाती है। तो आप उन लड़कों की जो उसकी
नमाज जनाजा में उसकी यूलोजाइज करना चाहते थे उसको, आप उनकी भी पैरवी कर रहे थे। मैंने उस जो जो मन्नान वानी है इसका एक रिटोरिक, उसका एक लेख था जो किसी ने मेरे व्हाट्सएप पे भेज दिया था, वो मैंने पढ़ा। ये सारे लोग अज्ञानता के शिकार हैं, इनको असलियत का पता ही नहीं है। वो लिखता था कि हिंदुस्तान के दलितों के साथ बहुत अत्याचार है। वो अगर जाके देखता कि हिंदुस्तान का दलित अगर मेरे खिलाफ रिपोर्ट कर दे तो मेरे ऊपर दलित एक्ट का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, और पाकिस्तान जाके अगर वो देखे, पाकिस्तान के वडेरे जो जमींदार होते हैं, अगर किसी गरीब आदमी की लड़की को उठा के घर में ले आए तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, जिस पाकिस्तान की तरफ वो देखते। हिंदुस्तान में जितने अधिकार हैं उतने दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन वो गलतफहमी उनको फैलाई जा रही है। वो इस सपने में था कि दलित मुसलमान ये वो जुड़ के सब खड़े हो जाएंगे, तो ये मिसगाइडेड लोग हैं, इनको सच बताना पड़ेगा। रहा उन लड़कों का जो उसकी नमाज जनाजा, वो उनके साथ पढ़े हुए लड़के थे, मैं उनको ये बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि साथ का आदमी, और इस देश में मैंने देखा है जब कोई डकैत भी मरता है तो उसकी बिरादरी के नेता लोग उसके भी उसमें मातम पुरसी में पहुंचते हैं। वो सिर्फ नमाज पढ़ना चाहते थे। वीसी ने उन्हें समझाया कि तुम बाहर मत पढ़ो, मस्जिद के अंदर पढ़ लो। वो अगर मस्जिद में पढ़ लेते कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होती। तो दो लड़के उनमें से नहीं माने और उन्होंने नारा लगा दिया, उनको प्रोक्टर ने बंद कर दिया, ले जाके अपने ऑफिस में बिठाया और उनका सस्पेंशन कर दिया। सस्पेंशन तक ठीक बात थी, दरोगा ने उन पे देशद्रोह का मुकदमा कर दिया। तो दरोगा भी तो आप ही नहीं, बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार के दरोगा थे जिन्होंने सेडिशन का चार्ज लगाया। तभी तो वो सेडिशन का चार्ज वापस हो गया, चूंकि हमारे दरोगा थे तो उसका रिएक्शन तो मतलब सब, मैं अभी बता देता हूँ। आपके फोन से दरोगा चार्ज वापस ले लेता है, अगर आप फोन करोगे तो कभी किसी पे चार्ज लगा भी देगा। ये किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी हुई? अपनी बात जरा क्लियर कर दूं। तो उन्होंने ये तय किया कि हम सर सैयद डे तक अगर ये मुकदमा वापस नहीं हुआ तो हम सब श्रीनगर चले आएंगे वापस। मैं उस कल्पना से सिहर गया कि जब 1200 लड़के अलीगढ़ से वापस आएंगे तो क्या हम कहेंगे यहाँ के बच्चों को कि तुम हिंदुस्तान में, तुम्हारा स्वागत नहीं है। तो क्या कश्मीर हिंदुस्तान से बाहर? हाँ, बाहर है। तो उसी दिन इतना डैमेज हो जाता जिसकी मैं मरम्मत कर ही नहीं सकता था। तब मैंने वाइस चांसलर, जो मैं जब वहाँ MP लड़ा था, उसने मेरे चुनाव में सहयोग किया था, मुझे जानता था, तो मैंने उसको कहा। उसने कहा सर बताएं क्या करें। मैं कहा एकदम इसका सस्पेंशन वापस लीजिए, रहा मुकदमा ये मैं बात CM के यहाँ करता हूँ। जब उन्होंने सस्पेंशन वापस ले लिया, प्रशासन ने कहा जब यूनिवर्सिटी को कोई शिकायत नहीं है तो हमको भी नहीं है, और वो बात ख़त्म हो गई। बच्चे खुश हुए और सर सैयद अहमद डे की, KC त्यागी से आप पूछ सकते हैं, ये गया था वहाँ, 300 लड़के खड़े हुए सर सैयद डे के फंक्शन में जनगणमन के बीच में, और कल ही ये लड़के आए थे, बालीजी शायद यहीं थे, पूरा एक डेलीगेशन वो राथेर करके उनका जो ऑफिस बेयर रह रही यूनियन का, वो सारे थैंक्स करने आए थे। और उन्होंने कहा कि हम वहाँ यूनियन का चुनाव लड़ रहे हैं और हम जाके कश्मीर में ये बताएंगे कि नहीं, हमारा सम्मान है, हमारी कोई देखभाल करने वाला। उसी दिन हमने ये भी तय किया नाविका जी कि जहाँ भी 12 से ज़्यादा कश्मीरी लड़के, एक दर्जन से ज़्यादा कश्मीरी लड़के हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं, वहाँ हम कश्मीर सरकार का एक लाइजन ऑफिसर छोड़ेंगे ताकि उन बच्चों के इंटरेस्ट का देखभाल करे, उनको थाना तहसील कलेक्टर ना जाना पड़े और वो उनकी देखभाल करे। हम एक हफ्ते में सारे अपॉइंटमेंट कर देंगे। मैं बहुत हैरान हूँ गवर्नर साहब कि आप स्वयं जो कश्मीर और हिंदुस्तान को करीब लाने के लिए आपका एक मैंडेट है, आप खुद कह रहे हैं कि कश्मीर के बच्चे हिंदुस्तान आए, कश्मीर हिंदुस्तान में नहीं। मेरा ये मतलब नहीं है कश्मीर का, मैं तो ये भी कहूँगा कि UP के बच्चे बाकी हिंदुस्तान में जाएं, कश्मीर के बच्चे बाकी, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि कश्मीर के बच्चों को हमने पूरा हिंदुस्तान दिखाया भी नहीं है। मैं तो इस मैंने वहाँ के सारे वाइस चांसलर्स कहा कि आप ये प्रोग्राम करिए, अपने बच्चे बाहर भेजिए, बाहर के बच्चों को यहाँ बुलाइए ताकि वो एक दूसरे को देख सकें, समझ सकें। एलिनेशन तो था, इसको कौन नहीं मानता है। जब वो आके देखेंगे कि आज़ाद यहाँ हिंदुस्तान में क्या क्या चीज़ें हैं और तुम किन किन चीज़ों से महरूम हैं, तब उनका जहन बदलेगा। अब आपसे मैं एक बहुत संगीन मुद्दे पे बात करना चाहूँगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू विच इज़ द इशू ऑफ करप्शन। जस्ट येस्टरडे यू हैव डिसाइडेड टू सेट अप एंटी करप्शन ब्यूरोज अक्रॉस द स्टेट। करप्शन इज एन इशू
in Jammu and Kashmir, everybody is known about it. Funds have gone freely from the center to the state. If they had been used well, Kashmir would have been a developed state today. Governor Malik, where do you find these corruption loopholes that are gaping that you have had to start these anti-corruption bureaus? देखिए वहाँ हुआ क्या है कि एक तो करप्शन को पेट्रोनेज रहा है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज भी रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव पेट्रोनेज भी रहा, किसी ने कोई दखल नहीं दिया उसमें। आज तक कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की है। मैं 3 दिन पहले ही ऑर्डर करके आऊँ कि 1 महीने में सब अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करें एफिडेविट पे और उसको नेट पे लगा दें, जैसे IAS अफसरों का होता है। एंटी करप्शन ब्यूरो हमने बनाया है, और ऐसा ही नहीं कि बिना दांत का बनाया, उसमें हमने गिरफ्तारी के अधिकार दिए हैं, उसमें हमने प्रॉपर्टी के सीजर के अधिकार दिए हैं। ये सही है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं अगेंस्ट दैट, लेकिन वो ब्यूरो सीजर कर सकता है प्रॉपर्टी का। करप्शन की ये सीमा है कि पूरे देश में कोई फैक्ट्री लगाने के लिए 2 से 4% कमीशन, किसी धंधे में भी 2 से 4%, किसी डील में भी 2 से 4% मांगा जाता है, इतना देश में भी है। वहाँ 12 से 15% मांगा जाता है, और बेशर्मी के साथ आप ये देखिए कि वहाँ के अफसरों के घर देखिए आप, 15 कमरे से कम का कोई मकान श्रीनगर में नहीं है, और उसमें वो तो मकान है, अंदर जो कारपेट हैं वो कई करोड़ के हैं। और उसी कश्मीर का बच्चा जब वो टट्टू ले के अमरनाथ यात्रा पर जाता है तो उसके पास स्वेटर भी नहीं होता है। तो जब तक ये क्राउड पनिश नहीं होगी, तब तक टट्टू वाले को ना कश्मीर दिखेगा ना हिंदुस्तान दिखेगा। गवर्नर साहब, करप्शन के मुद्दे पर एक सबसे बड़ा स्कैंडल जो है वो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस स्कीम है जो रिलायंस कंपनी को दी गई थी। आपने 23 अगस्त को कमान संभाली और ये फाइल आप ही ने साइन की थी, और आज आप ही इसे रद्द कर रहे हैं क्योंकि आपने कहा इसमें सीरियस फ्रॉड था। हुआ ये था कि मैं जिस दिन ओथ ली थी उसके बाद 3 या 4 दिन बाद पहली एडवाइजर्स काउंसिल की मीटिंग थी, और उसमें सब ने, इंक्लूडिंग ऑफिशियल, सब ने यूनिमसली कहा कि ये इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है और इस पर सेटल हो गया है, इनको हम लोग दे रहे हैं और इसमें ये फ़ायदा है, इसमें वो फ़ायदा है। तो उसमें मैंने सहमति दे दी थी, मुझे पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब वो हो गया तो उसका बहुत विरोध हुआ, कर्मचारियों में हुआ, और 50 जगह से जानकारियाँ आई, और मुझे लगा कि इसमें कुछ फिशी है। तो मैंने फाइल को मंगाया और उसकी जानकारी ली, इधर उधर से भी जानकारियाँ आ रही थी, वो मैं इकट्ठा कर रहा था और उनको देख रहा था। और एक चीज़ मेरे सामने थी कि यहाँ जो देश में राजनीति चल रही है उसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। वो हर वक्त प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा देते हैं, रफेल स्कैम और अनिल अंबानी की, मतलब जैसे कि अंबानी जो हैं वो हमारे मालिक हों, इस तरह पेश कर रहे थे। तो मैंने उस सारे को देखा और मैंने पाया कि इसमें गड़बड़ है, और मैंने 1 मिनट नहीं लगाया उसको न सिर्फ कैंसिल किया, बल्कि उमर ने बाद में बयान दिया कि कैंसिल तो हो गई, अब इसमें जांच भी होनी चाहिए। मैं वो ऑर्डर एक साथ किया कि इसको कैंसिल किया जाए और इसका विजिलेंस से इसकी जाँच कराई जाए, विजिलेंस जाँच के भी ऑर्डर कर दिए। इसमें से 2 चीज़ें निकली, एक तो हमारे कर्मचारी या हमारी जनता जिस चीज पे शुभा करती है उसको हमको एड्रेस करना चाहिए, दूसरे तो जनता तो रफेल स्कैम पर भी शुभा कर रही है। वो मेरा काम नहीं, मेरा काम जो है वो मैं बता रहा हूँ, दूसरे उस पे गलत कर रहे हैं। देश में कोई ऐसा आदमी नहीं है इतना ताकतवर कि जो प्रधानमंत्री को इन्फ्लुएंस करके सौदा करा सके और या मुझे इन्फ्लुएंस करके सौदा करा सके। ये मैसेज देने के लिए मैंने, वैसे तो होना ही था कैंसिल, लेकिन इसका ये मैसेज गया और मुझे अच्छा लगा कि ये मैसेज गया। लेकिन मलिक साहब, आप कन्विंस थे कि इसमें गलत हुआ है? मैंने जो उसमें डिस्क्रिपेंसीज पाई हैं, क्या डिस्क्रिपेंसीज वो देखिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता। पहली तो चीज जो सबसे बड़ी है उसमें ये है कि सरकार ने टेंडर इन्वाइट ही नहीं किए। एक कोई कंपनी है जो किसी और कंपनी की फ्रंट कंपनी है, उसने टेंडर इनवाइट किए थे और वो टेंडर कभी भी सरकार की वेबसाइट पे दिखाए ही नहीं गए। तो वो जो सारे अफसर और सारे एडवाइजर जो आपको कह रहे थे कि इस पे चर्चा हो चुकी है और आप इसको साइन कर दीजिए, पास कर दीजिए, वो सारे सस्पेंड नहीं होने चाहिए? नहीं, बिना जांच के सस्पेंड करना ठीक नहीं है, लेकिन जांच में कई बड़ी मछलियां आएंगी और उनको सजा मिलेगी।
बड़ी मछलियों को तो हिंदुस्तान में बहुत कम सज़ा मिलती है, बड़ी मछलियाँ तो आजकल निकलती देखी हैं हमने। नहीं, ऐसा है, मैं जब इसमें बोफर्स में राज्यसभा से इस्तीफ़ा दिया था तो मैं मेरठ में एक मशायरे में गया था, तो वहाँ एक शायर था, मेरा दोस्त था वैसे वो, उसने कहा मलिक साहब काम तो बहुत अच्छा किया आप राज्यसभा छोड़ के आए ईमानदारी के लिए, लेकिन एक शेर सुन लें। वो शेर ये था कि इन्हें आप कैसे पकड़ पाइएगा, बड़ी मछलियों के समंदर अलग हैं, लेकिन मैं इसको पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी के यहाँ बड़ी मछलियों के निकलने का कोई अलग से समंदर नहीं है, सबका एक ही समंदर है। कोई टेक्निकल मिस्टेक कहीं हो जाए, कोई भाग जाए बिना बताए निकल जाए, वो अलग बात है, लेकिन कानून से नहीं बचेगा कोई भी। तो आप समझते हैं कि इस केस में जी बड़ी मछलियाँ अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो और सीनियर अफसर भी हो जो आपको एडवाइस कर रहे थे कि इस पे साइन कर दीजिए, मैं नहीं जानती वो कौन होंगे जो आप खुद ही कह रहे हैं कि मीटिंग में थे और पास करवा रहे थे आपसे ऑर्डर, क्या वो इस विजिलेंस इंक्वायरी के तहत आएंगे? देखिए, विजिलेंस इंक्वायरी में अगर उनका नाम आया तो उनमें कोई नहीं बचेगा, उनके ऊपर मैं क्रिमिनल केसेस भी कराऊंगा। पर वो तो आपको रेकमेंड कर रहे थे पास करने के लिए, तो वो सब इन्वेस्टिगेट होने चाहिए। वो इन्वेस्टिगेशन में सब आएंगे। ओ, सही बात ये कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, लेकिन मुझे सारी जानकारी है कि कौन इसके पीछे था, किसको क्या मिला था, किसको क्या कहा गया था, हु वॉज बेटिंग फॉर देम। जब मुझे जानकारी है तो विजिलेंस को तो जानकारी हो ही जाएगी, और जब विजिलेंस वो जानकारी मुझे ऑन रिकॉर्ड दे देगी तो मैं एक्शन कर दूंगा एकदम। कितनी देर में आप ये फैसला कर लेंगे? वो तो विजिलेंस को मैं बहुत लंबा वक्त नहीं दूंगा बार बार बढ़ाने का, मैं कोशिश करूंगा 2-1 महीने में ही सारी रिपोर्ट आ जाए, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, इसका लंबा असर होगा देश में। तो 2 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाएगी? मैं उम्मीद करता हूं कि 2 महीने में इसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए। मैं जब विजिलेंस वालों को ये भेजूंगा तो उसमें ये कह भी दूंगा कि सारा काम छोड़ के इसकी जांच करिए आप। गवर्नर साहब, जम्मू और कश्मीर की असेंबली अब भी सस्पेंडेड एनिमेशन में है। मैं बीच में टोक रहा हूं आपको, ये तो था ही एक मामला, एक और मामला था जो हो जाने वाला था, हुआ नहीं था। एक प्रोजेक्ट था जिसमें जो लोएस्ट टेंडर था उसके बावजूद लोएस्ट टेंडर वाली पार्टी के साथ नेगोशिएशंस हो रही थी, जो इलीगल है, गलत है, नहीं होना चाहिए। उसको जो करने वाला आदमी था उसको मैंने हटा दिया, उसकी भी मैं जांच करा रहा हूं कि ये क्यों हो रहा था। और उसमें भी आप हैरत करेंगे, कई बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे जो बड़े प्रभावशाली रहे हैं स्टेट में। ये नाम आप कब देश के सामने लाएंगे? मैं अपने पास, मुझे तो अभी भी पता है, लेकिन जब तक कोई सबूत और जब तक जांच होकर रिपोर्ट नहीं आए उसके फौरन बाद में देश के सामने। कई बार असलियतें जांच की रिपोर्टों में दब के रह जाती हैं। जांच की रिपोर्ट में अगर असलियत होगी तो वो बिल्कुल नहीं दबेगी। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि 4-6 कुर्ते पजामे के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं 50 साल से राजनीति में हूँ, मैं अपनी 150 बीघे ज़मीन बेच चुका हूँ राजनीति के लिए। मैंने एक थैला, हम राजीव गांधी से लड़ सकते थे अगर साफ सुथरे नहीं होते। मेरे सामने मेरा प्रधानमंत्री, उसकी इमेज, सरकार की इमेज, राष्ट्रपति की इमेज, संविधान, इसके अलावा और कुछ नहीं। और मैं सख्ती के साथ उस बात को, मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। जम्मू और कश्मीर की असेंबली जो सस्पेंडेड एनिमेशन में है, इसको वापस बुलाने की, इसको वापस स्थापित करने की, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने की कोई पहल? सस्पेंडेड एनिमेशन में है, उसका एक तो फायदा ये है कि अभी बीच में गवर्नर साहब ने उनके वो ख़त्म कर दिए थे, जो पैसा मिलता है डेवलपमेंट का, वो मैंने जाते ही पहले ही दिन प्रधान, यहाँ राष्ट्रपति भवन सबसे डायरेक्शन ले के पहले ही दिन उसको रिस्टोर कर दिया। अब वो जनता में जाते हैं, कोई सड़क मांगता, कोई खड़ंजा मांगता, कोई नल मांगता, तो वो एक तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस बचा हुआ है। इनको हम डिस्पाइट द फैक्ट कि किसी ने म्यूनिसिपल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया, आर्टिकल 35A को मुद्दा बना। आर्टिकल 35A मुद्दा नहीं था, उन्होंने गलत बात की है। आर्टिकल 35A तो उस दिन भी था जब ये कारगिल में चुनाव लड़ रहे थे 20 ही दिन पहले। लेकिन ये है कि अब लोग ये कहने भी लगे हैं कि भाई अगर हमारा सरपंच बनना गलत है तो तुम भी इस्तीफा दो, और इन पे दबाव आ रहा है अब। और एक ही दिन में 1,500 फार्म बिके हैं पहले चरण के चुनाव के। तो लेकिन मैं असली बात से हट जाऊँगा, जब तक कोई वायबल सरकार बनने की स्थिति ना हो तब तक ये चलती रहेगी। जब हम सारे मीन्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, कुछ लगेगा कि नहीं हो रहा है,
तब हमारे यहाँ से ये सिफारिश हो सकती है सरकार को कि साहब इसमें कुछ हो तो रहा नहीं, अब आप डिसाइड करिए, पर फिर माननीय राष्ट्रपति जी जो तय करेंगे वो होगा। आप डिसअपॉइंटेड है कि इलेक्शन में लो टर्नआउट रहा? बिल्कुल नहीं हूँ, चूंकि ऐसा तो बहुत बार हुआ है कश्मीर में, पार्टिसिपेशन ही नहीं हुआ। हाँ, 2000 कैसी डेमोक्रेसी? भाई आप सारी पार्टियां अगर बायकॉट कर जाएंगी और कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा, गन एक तरफ होगी, हुर्रियत भी विरोध कर रही होगी, सारी पार्टियां भी विरोध कर रही होंगी, तो फिर इलेक्शन किस बात का? सिर्फ 13% एरिया में ऐसा हुआ है पूरे कश्मीर के, 80% भी पोल हुआ है, मुस्लिम मेजोरिटी टाउन्स हैं, पुंछ है आपका, राजौरी है, उड़ी है, 70-80% पोलिंग हुआ है, बहुत पोलिंग हुआ है। लेकिन कुछ जगहों पे अगर नहीं हुआ है, और आपको मैं ये बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा, कि दिल्ली की पार्लियामेंट और असेंबली में बहुत लोग बैठे हुए जिनको 2-2, 4-4, 6-6% वोट मिला। गवर्नर साहब, आपने हमसे बातचीत की, बहुत से मुद्दे अभी और भी हैं जी। सफर तय करना है लंबा, जम्मू और कश्मीर और बाकी देश को नज़दीक लाने का। हम आपसे मिलते रहेंगे, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे, और ये सफ़र जो है ये किस तरह चलता रहे ये बीच बीच में आपसे पूछते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, गवर्नर का काम बोलना नहीं होता है, इंटरव्यू देना भी नहीं होता है, लेकिन ट्रेजेडी ये है कि एक तरफा नैरेटिव वहाँ सेल किया जा रहा था, तो कोई तो बताएगा कि भाई ये गलत रास्ता है, ये गलत है, ये झूठ बोल रहे हो, ये दुष्प्रचार कर रहे हो। इसलिए मुझे, मैं कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं बोलता हूँ, पब्लिसिटी के लिए इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ, एक राइट पर्सपेक्टिव में चीज़ें रखी जाएं, इसके लिए बोल रहा हूँ। मैं उम्मीद रखूंगा कि ये मौका आप मुझे देती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोला और फ्रेंकली बोला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।